अपने मुल्कों में ढूंढनी, आप नहीं जानते कि हमारे इस्लामी मुल्कों में क्या हो रहा, क्या बयान करूं, सियासत की जरूरत नहीं, मगर आप सब जानते काफिर मुल्क जाना उनकी कोई इज्जत है। हिंदुस्तान की हम शिकायत करते हैं, पूरी दुनिया क्यों उसका एहतराम करती, काफिर है बेईमान, मगर उसके यहां जमहूरियत है, इंतखाब होते हैं, अदलिया आजाद है, जज जो है ना वो सदर को वजीर आजम को कैद कर लेते हैं, यहां कोई नहीं है। पहले फोन करके पूछते हैं क्या फैसला लिखे, ये इस्लाम है यहां, क्यों कश्मीर जाते हो, क्या करते हो, उनकी मदद करते हो, उन्होंने साफ कह दिया कि यार जान छोड़ो हमारी, हम अपना अलग कश्मीर चाहते हैं, उनकी मदद करके जाने दे रहा हो, ऐसी कीमती जाने कि अगर वो अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जाती तो मैं यकीन करता हूं कि इनमें से बहुत बच्चे ऐसे थे कि वो इस्लाम के बुरे सर सब साबित होते, बहुत चोटी के लोग साबित होते, इस्लाम की खिदमत करते, जोश में आए चले गए, जाने दे दी, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे, मगर वो जाले में जो गलत रहनुमाई कर रहे हैं कि दीन का काम इन बच्चों से नहीं लेते, इनकी बजाय मरवाने में लगेगा। और आप सारे जानते अब ये राज नहीं रहा कि ये काम एजेंसियां करती, सरहद पार कराती, असला देती कि ये छोड़ नेक बच्चे मरवा दिए, मैदान खुला हो जाए, ये जो भी जाए करेंगे। मैं अगर कश्मीर का जहाज फर्ज हर वाकई फर्ज है कि हमारा इलाका है, उन्होंने जबरदस्ती छीना, ऐलान क्यों नहीं करते, क्यों दुनिया के सामने झूठ बोलते हो कि हम मेरे बंदे वहां नहीं जाते, हम दरअंदाजी नहीं करते, इस झूठ का नाम जिहाद, उनके साथ तुम गले मिलते हो, मुसाफे करते हो, मुजाकरात करते हो और दीनदार बच्चों को बर्बाद करते हो। फौज क्यों खाती है इतना फंड, इन पर खर्च होता सबसे ज्यादा बजट ये खाते हैं, ये आगे बढ़े ऐलान करें और फिर हमने सारे फर्ज पर फर्ज होगा कि वो हुकूमत के साथ मिलकर अमीर और इमाम फासिक को, बेशक इमाम बुखारी फरमाते हैं बरन का ना फाजरा, नेक हो जो बच जो इस वक्त है सरबरा, वो ऐलान करे सारी दुनिया उसके, बेयूब ने किया था अल्लाह उसको माफ करे, कह दिया सारे उलमा खाक हो गए कि वाकई यार ये अयूब का मसला, मुल्क की सलामती का मसला, वो जिहाद होता, मरो तन मन धन कुर्बान करो, ये क्या कि हुकूमत फरेब करे, दीनदार बच्चे मरवाएं, और दीन का काम जो हमें पुकार रहा है कि पूरी दुनिया में सिफर है, खुदा के लिए उसके लिए निकलो, दीन को दुनिया में पहुंचाओ, काफिरों को जन्नत में लगाने की कोशिश करो, बनी के और शहीद जो अल्लाह ने कहा मरने वाले भी शहीद है, ये कुरान में है कि तकून शहदानात, तुम सारे मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ लिया तुम लोगों पर शहीद हो, जितने दुनिया में ईसाई काफर हिंदू मौजूद हैं तुम्हें उनके पास जाकर दीन के सच्चे होने की गवाही देनी पड़ेगी, उनसे इस्लाम का इकरार करवाना होगा, तबलीग करके छोड़ दिया और सिर्फ मरने मारने को समझ लिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दुश्मन होगी कि मुसलमान शरारती हैं, दहशतगर्द हैं, हमारी शामत आ गई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप मेरी ये बातें अगर नागवारी गुजरी में मादर खाओ, मगर खुदा के लिए मेरी ये कड़वी कुसारी बातें भी ना, इन पर कुछ सोचने की तकलीफ करें, बच्चों को आलम बनाएं, बड़े बड़े आलम बनाएं, एक ही था अल्लाह ताला रहमत फरमाए शेख अहमद दीदार, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मामूली कारोबार था, एक किताब मिली थे, अफ्रीका चला गया उस वक्त, एक आलम दीन जो हम यहां से हिजरत करके मक्का गए, और जो लोग मक्का मौजमा जाते हैं उन्हें पता है कि वहां बहुत बड़ा मदरसा, मदरसा सौलतिया और तबरीगी जमात के लोग या दूसरे वहां ठहर से भी है सूरत, वो मौलाना रहमतुल्लाह महाजर मक्की ने काम किया था, अंग्रेजों की पकड़ से बचकर वहां चले गए, उनकी लिखी हुई किताब है इजहार उल हक, जिसके बारे में उस जमाने में अंग्रेजी अखबारों ने लिखा कि जहां जहां ये इजहार उल हक पढ़ी जाएगी ईसाई मिशनरी कामयाब नहीं हो सकी, ईसाइयों के बखिये उधर दिए, इतना पढ़ा ईसाइयों को बाइबल को, उनके हवालों से साबित किया, क्या मैदान, अब तीन जल्दों में उसका तर्जमा भी मौलाना तकी उस्मानी साहब के मदरसे ने कर दिया बाइबल से कुरान तक, वो किताब दीदार साहब ने पढ़ी, इतना आलम नहीं, मगर वो ऐसी अपने अंदर रचा ली कि फिर अमरीका में और सारी दुनिया में आप देखते हैं मुनाजरे होते रहे, पादरियों के उन्होंने गोडे लगवा दिए और सारे जो उनके सामने घुटने टेक गए, शिकस्त, और पूरे आलम ईसाइयत में जल्जला आ गया कि यार अहमद दीदार ने दुनिया हिला दी, वो ऐसे बंदे खुदा के लिए पैदा करो, वो सबसे बड़े मुजाहिद है, वो जाहिद होंगे जिहादन कबीरा, ये छोटा जिहाद है उसके मुकाबले बड़ा, कुरान ने जिहादन कबीरा का कुछ इस तरह भी तवज्जो कर लो, करोड़ों की तादाद में ऐसे आलम पैदा कर दो जो दुनिया की सब जबानों के माहिर हों, केमिस्ट्री के माहिर, बायोलॉजी के माहिर, वो ऑक्सफोर्ड में जाएं, कैम्ब्रिज में जाएं, काफिरों की यूनिवर्सिटियों में खड़े होकर लड़का रहे, आए अपने इल्म की रोशनी में हमसे बात कर लो, हम तुम्हें मनवाएं कि खुदा है, उसकी तरफ से कलाम उतरा, ये काम है जो करने का असल जिहादन कबीरा, इसमें कामयाबी होगी, बहुत से काफर तो वैसे ही इस्लाम में आ जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं रहेगी, और जो नई शरारतों से बाज आएंगे फिर हम बुजदिल नहीं है, वो अंदर छुपने वाले नहीं, मर जाए या उनको इस्लाम में लाएंगे या अपनी गर्दन दे देंगे, वो बात तुम्हारा, किताल को अलग रखें, जिहाद को अलग, मैदान जंग में मरने की शहादत को अलग रखें, और जो शहादत देना हर कलमा को का फर्ज है,
कि उसकी हर बात से ये टपके कि वाकई ये दीन को सच्चा मानता, उसकी किसी बात से लोगों को ये भू ना आए कि कहता तो है कि मैं कुरान को मानता हूँ, अमल तो उसके खिलाफ कर। ये मुनाफ़िक़ और ज़िंदगी हमें नहीं होनी चाहिए। करने का काम असल में ये है, मैंने जो कुछ कह दिया अल्लाह ताला इसमें अगर कुछ सच्चाई है तो मेरे दिल में आपके दिल में जगह पैदा करे, और अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई है अल्लाह मुझे भी माफ़ करे। बाकी जो लोग नेक नीति से शहीद हुए उन्हें हम कुछ नहीं कहते, वो बेचारे बिल्कुल मुखलिस हैं, उनका कोई ज़ाती मुफाद है, मगर रहनुमा गलत रहनुमाई कर रहे हैं, तरजीह गलत है। जो करने का पहले काम था मक्की दौर का जिहाद वो छोड़ दिया, और आखिरी जिहाद जो था मदीना में जाकर हुआ तलवारों वाला, इस्लामी हुकूमत बन गई, शरीयत नाफिज हो गई, उसके बाद उसको पहले कदम पर ही ले लिया। अब इसका क्या करें कि सर नीचे कर दिया पांव ऊपर कर दिया, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात है। ऐलान जंग के बगैर जिहाद जिहाद नहीं, और हाथ में वक्त के ऐलान के बगैर जिहाद नहीं, ये दीन में तयशुदा बातें किसी के बनाने की नहीं। वजू के बगैर जैसे नमाज बातिल है, अमीरुल मोमिनीन और इमाम वक्त के ऐलान के बगैर जिहाद बिल्कुल इस्लाम में नहीं, और ना किसी को हक है कि वो ऐलान के बगैर धोखे के साथ सरहदें पार करे। ऐलान करना फन बेजर हमारा सवा, अल्लाह कहता अगर वो वादा नहीं पूरे करे काफर उनके मुंह पर मार दो उनका मदर का, कोई वादा नहीं मारा, खोल कर जंग होगी फिर अल्लाह मदद भी करेगी। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين।